आज का हमारा डे वन का वर्क, डे वन से लेकर डे 15 तक जो भी काम करते हैं वन वीडियो में छोड़ते हैं। और बहुत लोग सोचता है कि एक दिन में सब कुछ हो गया, एक दिन में नहीं होता है सब कुछ। हम लोग डे वन, डे टू, डे थ्री अलग अलग दिन अलग अलग काम करते हैं, लेकिन वीडियो एक साथ बना लेते हैं, एक वीडियो में पंच करके छोड़ते हैं। तो डे वन में इतना तक ही काम होगा, ये तो जस्ट बेसिक फ्रेम स्टार्टअप हुआ है। नाउ लॉन्ग वे टू गो। ये रहा हमारा प्रिसिशन द ज्वेलर, सेंटर ऑफ द फोकस होने वाला है हमारा मरीना एक्सपो। मेरे व्यूअर्स, सीस्केप इस लायक है कि इतने बड़ा काम कर सकता है, इतना अच्छा काम कर सकता है। आप लोग हमें इतना लायक समझते हैं। अब शुरू से लेकर अंत तक हमारा चैनल देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि हम किस लेवल का काम करते हैं। फ्रेंड्स, ये रहा, आप देखिए अब तक हम कितने मेहनत से ये काम कर रहे हैं। और अभी ये स्टेयर लगाया जा रहा है ऊपर का, पूरा ब्रेस लगाया जा रहा है। ये ब्रेसिंग के ऊपर पूरा टैंक रहता है, पूरा टैंक का प्रेशर ये ब्रेसिंग लेता है, तो इसलिए इसका लेआउट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं इतने गर्मी में, पसीने में, यहाँ पर कोई एसी नहीं है, कोई कूलर नहीं है, कोई फैन नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस कंजस्टेड जगह पर इतने गर्मी में, इतने मेहनत में, पसीने में हम लोग काम कर रहे हैं, कितने डिफिकल्ट पोजीशन में। पहला ये हमारा काम भी है और दूसरा मेरा ये पैशन भी है। सो कुछ भी हो, कितना भी डिफिकल्ट पोजीशन हो, हमारा काम है उस डिफिकल्ट पोजीशन में भी सक्सेसफुल काम करना, सही ढंग से काम करना, और इसी के लिए हम जाने जाते हैं। इस कंजस्टेड जगह पर ये जो सिलिकॉन का जो स्मेल है, ये बहुत ही डेंजरस है। Thank you.
सो फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है हम लोगों का काम? राइट फ्रॉम द स्क्रैच टू फाइनल इंस्टॉलेशन का वीडियो हम दिखा रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं नेचुरल आवाज़ में। हमारा मेन टैंक पोजीशन में आ चुका है, अभी यहाँ पर हम सम बिठाएंगे, सम बिठा के पूरा प्लम्बिंग होगा वो सारा दिखाएंगे, किस तरह से यहाँ इलेक्ट्रिक का सॉकेट लग चुका है, यहाँ पर पानी का सप्लाई हम अभी लगाने वाले हैं, पानी का इन ऑटोमेटिक आउट सब कुछ बनाने वाले हैं। ये रहा ऑटोमेटिक आउट, यहाँ पर ड्रेन किया हुआ है, यहाँ ऑटोमेटिक इन हम करेंगे प्रोटीन स्कीमर का ड्रेनेज। ये हमारा मेन टैंक पोजीशन पे बैठ चुका है, अब यहाँ पर इसका फ्रेमिंग, फिनिशिंग वर्क, बहुत सारा काम बाकी है। सब काम हमारा काम ही है, क्लाइंट को कोई परेशानी नहीं देना, क्लाइंट बस पोजीशन देगा, बाकी सब हम कर लेंगे। आप देखते हैं कि हम खुद अपने हाथ से किस तरह से काम करते हैं। ये टैंक में हम ड्यूअल ब्रेस, ऊपर में ड्यूअल ब्रेस दिए हैं ताकि ये और स्ट्रेंथफुल हो, क्योंकि ये कॉमर्शियल एरिया में है। ये 12, ये ग्लास में बता दूँ, ये 12 mm टफ एंड एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास से बना हुआ है। हमारा ग्लास क्वालिटी बहुत फाइन है, जब फिनिशिंग होगा तब आपको पता ही चलेगा। सिलिकॉन का क्वालिटी भी आप देखे हो, हमारा वर्किंग क्वालिटी आप देख ही रहे हो। तो हम इस लेवल का काम करते हैं, जैसा क्लाइंट का डिमांड होता है, जैसा क्लाइंट हमें अप्रोच करते हैं उस तरह का हम डिलीवरी करते हैं। सो यहाँ पर ब्रेस लग चुका है कम्प्लीटली, अभी ये ब्रेस सूखेगा, फिर फिनिशिंग का काम होगा और प्लम्बिंग होना है। तो कैसे क्या हमारा काम लग रहा है, आपको कैसे लग रहा है हमारा काम, कुछ आप सीख पा रहे हैं कि नहीं, कुछ आइडिया हो पा रहे हैं कि नहीं, यार सिस्टम्स किस क्वालिटी का काम कर रहा है, ये आपको नॉलेज में आ रहा है कि कैसा आ रहा है, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कमेंट बॉक्स अभी भी खाली है आपके लिए, आपके कमेंट के लिए। तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद प्लम्बिंग सेक्शन में। सो फ्रेंड्स, ये रहा हम लोग का ब्रेस का फिनिशिंग, आप देख रहे हैं यहाँ पर ड्यूअल ब्रेस लगा हुआ है, ड्यूअल ब्रेस दिया हुआ है। ये बीच का सेंटर का भी ब्रेस है, साइड का भी ब्रेस है। ये ब्रेस का फंक्शन क्या है, इसमें जो पानी का जो प्रेशर रहेगा, ये पानी का प्रेशर कम्प्लीटली प्रेशर ये ब्रेस ही पकड़ेगा। अगर ब्रेस का फिनिशिंग ठीक से ना हो, ब्रेस का लेआउट ठीक से ना हो और ठीक से इसका सब कुछ मेजरमेंट ना हो, तो तभी ये टैंक ब्लास्ट होता है, तभी ये टैंक में प्रॉब्लम होता है। तो ये टैंक का लॉन्गजीविटी कम से कम 15 साल चले, इस हिसाब से हम बनाए हैं, ऐसे करके बनाए हैं कि 15 ईयर्स इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, इसका गारंटी हम देते हैं और इस क्वालिटी का ही हम काम करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स, पानी का जो प्रेशर होता है, वो पानी का प्रेशर सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट किया जाता है कि यहाँ पर पानी का एक्सट्रीम प्रेशर किस पॉइंट पर आता है। तो इस टैंक में, ग्लास में, टैंक के साइज, लेंथ, ब्रेथ, हाइट के ऊपर डिपेंड करता है सेंटर ऑफ मास, इसका प्रेशर कैलकुलेट किया जाता है। हमने यहाँ पर फिजिक्स के सहारे से, मैथमेटिक कैलकुलेशन के सहारे से इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट किया है। उस कैलकुलेशन के ऊपर ब्रेस का थिकनेस क्या होगा, कितना ब्रेस लगेगा, किस पोजीशन पे ब्रेस लगेगा। लोग बहुत काम अनजाने में क्या करते हैं, ब्रेस लगाना है, ब्रेस थोड़ा नीचे लगा देते हैं, ब्रेस ऊपर लगा देते हैं, ब्रेस यहाँ से गैपिंग देते हैं, उधर से गैपिंग देते हैं। ये रैंडम लगाने वाला चीज़ है ही नहीं, ये कम्प्लीटली एक इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन है,
यहाँ पर सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन करके ब्रेस का हाइट डिटरमाइंड होता है, ब्रेस का थिकनेस डिटरमाइंड होता है, ब्रेस का पोजीशन डिटरमाइंड होता है। तो ये सारा कैलकुलेशन करके, ये सारा पोजीशन डिटरमाइंड करके हम काम करते हैं, और आप देख रहे हैं हमारा काम कितना परफेक्शन, साइंटिफिकली परफेक्शन भी है और प्रैक्टिकली भी परफेक्शनली हम काम करते हैं। आपने जो अंदर पानी का इन और आउट देखे, उसका मैं एक्सटर्नल पार्ट दिखा दे रहा हूँ। मेन टैंक से ये पाइप को कंस्ट्रक्शन करके लाया गया है सिर्फ और सिर्फ एक्वेरियम के लिए। ये एक्वेरियम दूर दूर सेंटर ऑफ द शोरूम है, तो पानी का बंदोबस्त नहीं था, तो अलग से हमने बनाया है। और ये रहा इन, या रहा आउट, जो ड्रेन है ये आउट भी यहाँ पर ड्रेनेज हो जाएगा, बड़े ड्रेन के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये देखिए, ये पाइप जो आया है इधर से होते हुए, यहाँ से होते हुए, उस तरफ से होते हुए, ये पाइप टैंक से पूरा आया हुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ एक्वेरियम के इन और आउट के लिए हमने एक्सटर्नली द बिल्डिंग के बाहर भी हमने काम करवाया है कि किस तरह से पानी कहाँ से आएगा, पानी कहाँ से निकलेगा। तो एक बड़ा एक्वेरियम, एक हेडेक फ्री एक्वेरियम या ऑटोमेशन में एक्वेरियम बनाने के लिए इतना ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करना पड़ता है, और हर चीज़ बारीकी से करना पड़ता है, हर चीज़ बारीकी से प्लानिंग प्लॉटिंग करके कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। और यही बारीकी से काम करने के लिए सीस्केप जाना जाता है, और सीस्केप इतने परफेक्शन में काम करने के लिए ऑल ओवर इंडिया में इतने पॉपुलर है। सो चलिए अंदर दिखाते हैं। ये रहा फ्रेंड, ये हम लोग का पाइप का इनलेट, जो मेन पानी आ रहा है, इस पानी का इन पोजीशन। तो ये रहा हमारा वाल्व, जो हम बंद कर देंगे तो मेन पानी ऑफ हो जाएगा, और ये ऑन कर देंगे तो यहाँ से मेन पानी इन हो जाएगा। मीन्स बाहर के टैंक से ये पानी जुड़ा हुआ है। मेन लाइन से जो पानी आ रहा है, ये पानी, ये पोर्शन आप देखिए, यहाँ से ये डायरेक्ट हम सम्प पे कनेक्ट कर दिए। जब पानी हम चेंज करेंगे टैंक का, चेंज करने के लिए हमको पानी कहीं से खोलना नहीं पड़ेगा, जस्ट हम ये नॉब ओपन करेंगे, ये नॉब ऐसे क्लोज रहेगा, बस हमें सिर्फ इस नॉब को ओपन करना है और पानी यहाँ रिफिल हो जाएगा। अगर हमें टैंक में पानी बदलने के लिए, पानी भरने की ज़रूरत है, तो हम यहीं से हमारा पानी रिफिल हो जाएगा। तो इसका कम्प्लीट आउटलेट इनलेट हम कर चुके हैं, यहाँ से मैनुअली भरा जाएगा, और एक हम ऑटो सिस्टम बना रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा प्लंबिंग सेक्शन, आप देख सकते हैं ये है ऑटो रिफिल। ऑटो रिफिल का चेक वाल्व लगा दिए हैं, जैसे यहाँ पर पानी भरेगा ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, और जैसे पानी जो मेरिन में जो पानी इवेपोरेट होता है, इवेपोरेशन होकर जैसे ही पानी कम होगा इस चेंबर में, उसी समय ये फिर से रिफिल होना शुरू हो जाएगा। जब ये फंक्शनिंग में होगा तब हम फिर से आपको दिखा देंगे, अभी ये नॉन फंक्शनिंग है। तो ये ऑटो रिफिल सेक्शन हो गया, ये डायरेक्ट चैनल हो गया, ये पंप से थ्रू पंप टैंक में जा रहा है एकदम डायरेक्ट। और हमेशा एक चीज़ जान के रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, पानी निकल अगर राइट से रहा है, लेफ्ट से रहा है, तो पानी का इन राइट में देना है, ताकि क्रॉस फ्लो हो सके। अच्छा पानी, फिल्टर वाला पानी उस तरफ से आएगा, और गंदा पानी इधर से निकलेगा। तो ये रहा हमारा आज का डे टू का काम। फाइनली डे टू में हम रैप करके रख दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ वर्किंग साइट है, वर्क हो रहा है, तो ये गंदा हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो ताकि ये गंदा ना हो, डैमेज ना हो, तो हम सारे चीज़ को रैप अप करके रख दे रहे हैं। नेक्स्ट फाइनली हम अगले दिन मिलेंगे हमारा फाइनल इंस्टॉलेशन डे पे। तब तक इंतज़ार कीजिए हमारे अगले वीडियो के लिए। अगले वीडियो में हम मिलेंगे फीचर्स इंस्टॉलेशन, और इसका जो फाइनल लुक है, फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल आउटपुट, उसके लिए। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।